नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। राजनीति के तमाम हलचल पर 2024 के चक्रव्यूह में बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बीएसपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है, 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार बीएसपी की तरफ से भी कैंडिडेट्स अनाउंस किए जा रहे हैं। बीएसपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 9 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है। सारे समीकरणों को देखते हुए ही पार्टियों की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो रहा है। बीएसपी की तरफ से ये नई लिस्ट जारी की गई है, चौथी सूची ये बताई जा रही है, जिसमें 9 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। किसको कहां से मौका दिया गया है वो हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, बीएसपी ने नई लिस्ट आउट कर दी है, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, बसपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर नए प्रत्याशियों की सूची है वो जारी कर दी है, जिसमें अगर हम बात करें तो आजमगढ़ से 3 राजभर जो पूर्व प्रदेश रहे हैं उनको टिकट दिया गया है, घोटी से बालकृष्ण चौहान को टिकट दिया गया है, एटा से मोहम्मद इफरान को टिकट दिया गया है, रोहा से श्याम किशोर अवस्थी को टिकट दिया गया है, फैजाबाद और अयोध्या जो है वहां से जो है मिश्रा को टिकट दिया गया है। और इसके साथ साथ आप बता दें कि बस्ती से दशंकर मिश्रा को टिकट दिया गया है, गोरखपुर से जावेद सिन्नानी को टिकट दिया गया है, चंदौली से सत्येंद्र मौर्य को टिकट दिया गया है, साबरगंज से भुवनेश्वर गौतम को टिकट दिया गया है। तो फिलहाल ये जो सूची है ये बसपा की तरफ से ऑफिशियल तौर पर जारी कर दी गई है और कुल 9 प्रत्याशियों की ये सूची है और इसमें जो है गोरखपुर का जो लोकसभा क्षेत्र है वो भी शामिल है। बिल्कुल विशाल, क्या इसमें कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम? देखिए इसमें जैसा कि पहले से ही चर्चा था कि आजमगढ़ से जो है गुड्डू जवानी के किसी पार्टी छोड़ जाने के बाद किसको चुनाव लड़ाया जाएगा, तो भीम राजभर का जो है भरोसा जताया है। भीम राजभर जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बसपा रहे हैं और अब उनका जो है पार्टी में भरोसा जताते हुए आजमगढ़ से चुनाव लड़ाने के लिए जो है काम किया है। तो अब ऐसे में ये कह सकते हैं कि फिलहाल जिस तरह जहां जहां पर ये देखने को मिल रहा था कि बसपा जो है अपने पुराने नेताओं को भरोसा करना कहां कहां पे कर रही, तो उसमें जो है भीम राजभर का जो है भरोसा जताया गया। इसके साथ साथ भोटी से बालकृष्ण चौहान आप एक बड़े नेता माने जाते हैं और भोटी सीट की लड़ाई जो है वो बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। इसके साथ ही बस्ती से जयशंकर मिश्रा को टिकट दिया गया है, गोरखपुर से जो है जावेद सिन्नानी को जो है टिकट दिया गया है, तो पूरा समीकरण जो है वो जो है बसपा के समीकरण में आ सके इसको देखते हुए टिकट के बंटवारे हुए किए गए। बिल्कुल, एक तरफ विशाल ये लिस्ट आउट हो रही है बीएसपी की तरफ से और खुद मायावती भी प्रचार में उतर चुकी है, नागपुर से कल शुरुआत हुई और आने वाले वक्त में हम पश्चिमी यूपी में भी देखेंगे उनकी सभाएं। यही सबसे बड़ी बात है कि लगातार आज के वाली मोड में जो है बसपा की टीमें दिखाई पड़ रही है और पश्चिम यूपी में 14 तारीख से मतलब कल से जो है वो थोड़ा प्रचार अभियान की शुरुआत कर देंगे। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि लगातार अब एक करके जो चुनावी गति है इसको जो है हार देती नजर आ रही है और अब सूची और जो है बसपा की तरफ से जारी कर दी गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल अगवंशी इस जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है और किसको कहां से मौका दिया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। आजमगढ़ से श्री भीम राजभर को मौका दिया गया है, घोसी सीट से बालकृष्ण चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है, मोहम्मद इरफान एटा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 9 प्रत्याशी हैं जिसको देखते हुए ये सूची जारी की गई है।